कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन समेत कई देशों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। भारत में भी इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसकी संख्या 100 के पार हो गई है। इस बीच अमेरिका समेत कई देश कोरोना की एंटीवायरल पील इस्तेमाल करने की तैयारी में है, वहीं भारत में फिलहाल इसके इस्तेमाल की कोई योजना नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इसकी जानकारी कोरोना के लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की डेली ब्रीफिंग में दी। डॉक्टर बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इन कोविड 19 एंटीवायरल गोलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पाया है कि इन गोलियों को बहुत जल्दी बीमारी का पता चलने से पहले देने की आवश्यकता होती है। अभी भी बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक डेटा ये नहीं बताते कि गोलियां उपयोगी होंगी। जापान ने फाइजर से की एंटीवायरल गोली के लिए दी। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा ने कहा कि उन्होंने फाइजर इंक के प्रमुख के साथ शुक्रवार को कोरोना के ओरल ट्रीटमेंट को लेकर बात की है। उन्होंने कहा नए वेरिएंट को लेकर चिंताओं के बीच बुजुर्गों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज में तेजी लाई जाएगी। किशिदा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सीईओ अल्बर्ट बॉर्ला के साथ फाइजर की एंटीवायरल गोली की 20 लाख खुराक की डील की। किशिदा ने कहा कि जापान का लक्ष्य लगभग 3.1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्रारंभिक टीकाकरण से 8 के बजाय 6 महीने के भीतर बूस्टर डोज दी जाएगी। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।